बली का बकरा। हाँ क्या हाँ इसे कर ले, बकरीद पे काम में आया भाई। ये पत्थर आपकी किस्मत बदल देगा। यहाँ हीरा नहीं जीरा मिल जाए, सांप भी मिल जाता है यहाँ। आदि मानव अपने डाकू मंगल सिंह रहते थे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है और कुछ नया है, क्योंकि हमारे भाई लोग आए आगरा से। तो हम जब इनके यहाँ पे गए थे आगरा में, तो इन्होंने हमको घुमाया फिराया और टूरिस्ट भी कुछ भी कह सकते हैं। आज हम लोग आए हुए हैं, आज भाई लोग आए, आज भाई लोग को घुमाने का टाइम है। तो अभी हम आए हैं, नहीं बताने का भी, थंबनेल में देख लेना, वहीं पर पता चल जाएगा हम कहाँ पे आए। तो अब चलते हैं हम थोड़ा आगे और आपसे आगे मिलते हैं। सो दोस्तों अब हमारे भाई रेडी हो चुके हैं, बाइक स्टार्ट कर चुके हैं और बस थोड़ी सी दूर का फासला है हमारा। अब हम भी बैठते हैं बाइक पे और यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं आगे जाके। सो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और हमारे हरे भाई ने टिकट कंप्लीट कर चुके हैं, ले चुके हैं, हो गए टिकट। चलो ये देख सकते हो आप, मुँह कितना बड़ा, मुँह नाक कितना बड़ा है इसका। ये ढोल नगाड़े स्वागतम, तो आपका गुच्छे पाने में स्वागत है। आप इन्हें देख सकते हो, राजा महाराजा को घोड़े ढोलक बजाते हुए यहाँ पे, और खरगोश हमारा और आपको हम छोटा सा नज़ारा दिखाते हैं यहाँ से, ये देख सकते हो। और अभी हमें अंदर जाना है, साथ में हमारे दो भाई लोग। जोड़ी अच्छी लग रही तुम्हारी भाभी। हाँ लो, अच्छा फिर भैया को तो जाना है तो भाभी के पास। बली का बकरा, हाँ ये भी सही लग रहा होगा, बली का बकरा है। हाँ हाँ सुबह भाई आप भी, मैं भी आता, भाभी से मिल लो, भाभी से मिलो, भाभी से भाभी और बली का बकरा। हाँ इसे कर ले, बकरीद पे काम में आया भाई। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है सामने का नजारा, हरा हरा, हरे हरे पत्ते, हरे हरे घास और साथ में हरे हरे आदि। और यहाँ पर लॉकर तो नहीं मिला, कट्टे में काम चलाना पड़ रहा है, देख सकते हो सारा सामान कट्टे में भर चुके, कट्टा खरीदना पड़ा। नंबर 24। सो दोस्तों हमने चप्पल ले चुके हैं, नासिर भाई ने ब्लू चप्पल ली और हमने लिए वाइट, क्योंकि भाई के ऊपर वाइट ही ज़्यादा जस्ता है। और अब चलते हैं अंदर और बाप पब्लिक इंजॉय कर रही है। हाँ बाबू जी, चप्पल घोई तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 10 रुपए देंगे, 10 का हिसाब लगा गए हम। क्या हो गया, बंद कर रखा है? आओ अंदर, पॉपआउट हो चुका है हमें लग रहा है हमारा, अंदर का बंद है, अंदर हो सकता है ज्यादा पानी है ना इसलिए। लगता है अंदर का शायद बंद है, अंदर देख ले हैं। चल रेडी 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 स्टेडी गो फायर, अटैक किया जाए, आराम से चलना सुहेब भाई। यहाँ इधर गहरा बहुत है, ध्यान से। हाँ ओए अब्दुल, अब्दुल नजीर। और हमारे नासिर भाई अंदर डूबते हुए। अंधेरा कायम रहे।
अंधेरा कायम रहे। कौन कह रहा है बंद होती? पता नहीं कौन कह रहा है बंद होती। अंधेरा कायम रहे। चलो भैया आयो, आओ ना सुहेब भाई, कह रहे कम कम टू रोवर्स। क्या आराम से, आराम से है। अरे आओ तो क्या, अरे आओ तो कुछ नहीं हो रहा। अंदर अंधेरा अंधेरा, पानी भर रहा है ज्यादा। सांप निकल गया कहीं को, ऐसी तैसी करो सीधा यार। हाँ क्या हो गया, फोटो शूट यार। ये हम व्लॉगरों की जिंदगी ऐसी, एक के पीछे एक व्लॉगर। ये दो व्लॉगर और आगे भी व्लॉगर और बीच में व्लॉगर, आप देख सकते हैं हम व्लॉगरों की कैसी जिंदगी है। और हम बढ़ते जा रहे हैं पानी की ओर, आप देख सकते हो कितना खतरनाक सा लग रहा है आगे से। ये उजाला उजाला, अंधेरा खत्म उजाला चालू। तुम बड़े यार मजे लेते, अरे क्या बात है। ये स्माइल तो देखो सुहेब भाई की, ये देखो खूबसूरत जगह। एक हमारे भाई है रे व्लॉगर। और गुफा से बाहर होते हुए उजाले की तरफ, अंधेरा कायम खत्म होने वाला है और बाहर पब्लिक है, शायद बाहर सब एंजॉय कर रहे हैं और अभी भी हम भी जाके एंजॉय करेंगे। मैगी, अब मैगी तो तुम बैग में रह गया यार, कट्टे में रह गया। अंदर और भी ज्यादा गहरा, ध्यान से नासिर भाई, ध्यान से। सो दोस्तों आप देख सकते हो यही वो रिवर्स केव है आपका, हमने नाम सुना है अभी तक, और सुना यहाँ पे बहुत बड़े डाकू रहा करते थे, डाकू मंगल सिंह, यहाँ पे डाकू मंगल सिंह रहते थे। डाकू मंगल सिंह, ऊपर ऊपर चलोगे, अंदर चलो ना, अंदर अंदर चलो अंदर। दोस्तों अभी अभी अंकल जी ने बताया कि पानी ज्यादा बढ़ रहा है और खतरा बढ़ता जा रहा है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि खतरे से ज्यादा खाली नहीं, बारिश होने लगी है और अच्छी खासी ट्रिप हमारी ऐसी हो चुकी है बेकार, इतनी दूर की ट्रिप, लेकिन थोड़ा बहुत मजा जरूर आया। यहाँ से निकलते हैं बाहर, फिर काली घटा छा चुकी है और बारिश आ चुकी है, अब हम बाहर जा चुके हैं। ये पत्थर, ये पत्थर आपकी किस्मत बदल देगा, यहाँ हीरानी जीरा मिल जाए, सांप भी मिल जाता है। चलो आग लगाओ, आदि मानव पत्थरों में। हाँ ले जाओ, घर ले जाओगे, नहीं आएगा सर, ना फूट जा किसी का। सो दोस्तों ये बताया जाता है ये काफी पुरानी गुफा है, यहाँ पे डाकू रहते थे, तो जब इसका नाम रोवर्स केव रखा गया है, मतलब कि वो डाकू जो देहरादून का डाकू था यहाँ पे आके छुपता था। और आप देख सकते हो कैसी पहाड़ी आपको मैंने दिखाई है यहाँ पे, और शायद ये वही तो डाकू नहीं है, इसकी आंखों में देख सकते हो कहाँ से, देखो ये गुफा देख सकते हो आप, यहाँ तक पानी नहीं है, फिर इसके अंदर से पानी निकल रहा है, इसमें खुराक होता है, ये पिछली साइड से आ रहा है, गल के ना पत्थर गिर जाए इधर को, साइड हो जाओ, आओ इधर आ जाओ। सो दोस्तों अब आ चुके हैं बाहर, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा खतरा होता जा रहा था और पानी भी बढ़ता जा रहा था, आप देख सकते हो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो चुका था, तो इसी कारण हम सब बाहर आ चुके हैं, क्यों ना हमने सोचा बाहर मजे ले। अभी बाहर का भी व्यू नज़ारा कुछ भी बोल सकते हो, बहुत बहुत मस्त लग रहा है, मतलब कि एक नज़ारा एक्सपेक्टेड, क्या होता है एक्सपेक्टेड, क्या होता है जो भी होता है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और चप्पलें यहीं पे रखते हैं और शूज़ अपने लेते हैं यहाँ से,
कहाँ गया 30 नंबर कट्टा? 30 नंबर। और कुछ खा लेते हैं, काफ़ी भूख लग रही है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। कुर्सी कहाँ है? और उठाना नासिर भाई, कुर्सी हरे कलर की कुर्सी दोगे? हरे कलर की कुर्सी। अरे इधर बैठे हुए नासिर भाई, बाहर की साइड, बाहर मजा आएगा। और काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है हमारे नासिर भाई को। क्या खाओगे? क्या खाओगे? पेट पूजा, फिर बाद में काम दूजा, पहले पेट पूजा। यू आर राइट। ओ माई गॉड, हमको इंग्लिश आ गई। अभी अभी अंदर बोलने लगा मैं। अंदर क्या बोल रहा था मैंने अभी?